नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल बागवानी टूवर्ड्स नेचर एंड व्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी की दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिवाली के दिन गन्ने की लक्ष्मी माता क्यों बनाई जाती है, क्या होता है इसका महत्व। एक्चुअली जो गन्ने की लक्ष्मी माता जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि लक्ष्मी जी का जो एक स्वरूप है वो गजलक्ष्मी के रूप में भी होता है। तो जो एरावत आती है उनको गन्ना सबसे प्रिय होता है, इसीलिए हम लोग जो है गन्ने की दिवाली के दिन गन्ने की लक्ष्मी माता अपने घर में बनाते हैं। और ऐसी मान्यता होती है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता हमारे घर में वास करती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको गन्ने की लक्ष्मी माता कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। और जब ये लक्ष्मी माता बन जाती है इनके बाद इनको खूब सजाया संवारा जाता है, जिसके लिए ये देखिए मेरे पास ये मूर्ति भी है लक्ष्मी माता जी की, और ये उनके कुछ वस्त्र हैं यहाँ पर रखे हुए, तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इन्हें गहने पहनाए जाते हैं खूब अच्छे से, जितना आप सजा सकते हैं, जितना संवार सकते हैं उस तरीके से इनको रख कर फिर शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा की जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे तीन हिस्से लेने होते हैं, ये बराबर बराबर साइज़ के, और इसमें पत्ते भी होते हैं साथ में। ये देखिए, इन्हीं पत्तों को मोड़कर, ऐसे ही मोड़कर हमें एक ऐसे तीन स्टैंड टाइप का बनाना होता है ऐसे, और फिर एक पीछे से लगेगा, फिर इन्हें हमें ऐसे बांधना होता है। और ये हमने हाथ के लिए बनाया हुआ है, फिर हम इसको ऐसे बांधेंगे। और पहले मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने ये बना के आधा तैयार कर दिया है। ये माता के पैर हैं और ये पीछे से सपोर्ट के लिए हमने लगाया है, और आपको भी ऐसे ही खूब टाइट से इसको बांधना होता है ताकि ये हिले ना बिल्कुल, और हमारी माता रानी आराम से खड़े हो जाए ऐसे। अब हम आगे का इसमें मैं जो है अब ऐसे हाथ बांधूंगी यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको कैसे तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये हाथ भी मैंने बहुत प्रॉपरली टाई कर लिया है, ये देख आप देख सकते हैं बिल्कुल बिना किसी चीज़ के आराम से स्टैंड अच्छे से बन गया है, जो हमने अभी ढांचा तैयार किया है। अभी हम इनको वस्त्र पहनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गन्ने की लक्ष्मी माता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप बिल्कुल बता नहीं सकते हैं कि ये लक्ष्मी माता गन्ने से बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अभी बस थोड़ा सा और मुझे फिनिशिंग करनी है, थोड़े से और मैं इनको माला वगैरह पहनाकर अच्छे से और सजाऊंगी। तो ये देखिए, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा है ना, लग रही है बहुत ही प्यारी, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता फ्रेंड्स। तो आप लोग भी हर दिवाली ऐसे गन्ने की लक्ष्मी माता बनाएं, और लक्ष्मी माता आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, कृपा दृष्टि रखें। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जो ये इसका एक्स्ट्रा गन्ना बच जाता है इसको हम नेक्स्ट डे खाते हैं, और इस ये जिनसे हमने माता लक्ष्मी बनाई है इसको हम विसर्जित कर देते हैं फ्रेंड्स दिवाली के दो तीन दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।